गाइस, मैं हूँ आपकी रोजी। और क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सबके बहुत हाल अच्छे ही होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हमारे स्किन के रिगार्डिंग है। जैसे कि आप सब जानते हो, हाँ, आजकल हमारे बिजी शेड्यूल में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम अपनी स्किन को रिपेयर करने के लिए, स्किन की एक्स्ट्रा केयर करने के लिए कुछ टाइम निकाल पाए। उस चीज से हम कैसे अपनी इतने बिजी शेड्यूल में भी हम कैसे अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, फ्रेश कर सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं। सो उस चीज के लिए आज मैं जो आपके साथ मेरे पास कुछ प्रोडक्ट हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं उसके बारे में शेयर करूंगी। सो ये मैंने कुछ मास्क लिए हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से हैं। आप देख सकते हो सब अलग अलग हैं। ये इनिसफ्री है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, ये सारे अलग अलग स्टेप हैं, अलग अलग तरह के हैं। इनमें से आज मैं देखूंगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना फेशियल वगैरह करवा सकूं। मैं इंस्टेंटली कैसे अपनी स्किन को ग्लो करना चाहती हूं, तो उसके लिए फिर मैं इनमें से एक चूज करूंगी। आज के लिए मैं ये इनमें से चूज करूंगी सिया बटर, दिस वन। ये मैं आज यूज करने वाली हूँ। सिया बटर है। सिया बटर, जैसे कि अभी नाम से ही पता चलता है कि ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से स्मूथ कर देगा, मॉइस्चराइज कर देगा। ये सब इसके पीछे लिखे हुए हैं। ये 100 रुपीज का जैसे यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्लस इसका जो दे सकते हैं, ये हमारा एक ऐसा मास्क है जो आपकी स्किन को इंस्टेंटली ग्लो करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करेगा। जिसकी ड्राई स्किन है उसके लिए ये परफेक्ट है। एंड इसके साथ साथ आपकी स्किन को टाइट भी करेगा। आज मैं इनमें से ये वाला यूज करने जा रही हूँ। चलिए शुरू हो जाए। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैंने अपने स्किन को कुछ भी नहीं किया हुआ है, जस्ट सुबह वॉश किया था। अभी मैंने नहाना है। उससे पहले मैं ये करना चाहती थी। अभी मैंने खाली स्किन को टोन किया हुआ है। अभी मैं ये सिया बटर है जो फेस मास्क किट, ये वाली यूज करने जा रही हूँ। आपको बताती हूँ ये कैसे करने हैं। इसको ऐसे, ये थोड़ा लिक्विड सा होता है, थोड़ा सा आपको केयरफुली खोलना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह से है। ये शीट को आप जब एक बार लगाओगे तो एक ही बार यूज कर सकते हो, बार बार नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आता है जिसमें आपके आंखें और फेस सब कुछ बना हुआ है। आपने उसी डायरेक्शन से इसको अपने फेस के ऊपर 10 से 20 मिनट तक अप्लाई करना है। एंड उसके बाद आपने इसको निकाल देना है। लेकिन जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आप बोल नहीं सकते, ना ही हंस सकते हो। बी केयरफुल। इस तरह से मैं लगाऊंगी। गाइस, जैसे अभी आप देख सकते हो कि पूरे 20 मिनट हो चुके हैं। अभी टाइम आ गया है इसको रिमूव करने का, तो अभी मैं इसको रिमूव करने जा रही हूँ।
इस तरह से रिमूव हो चुका है। अभी इसको आप वापस से यूज नहीं कर सकते, तो अभी ये जो आपके फेस के ऊपर मॉइस्चराइज हुआ हुआ है इसको ऐसे ऐसे सॉफ्ट हाथों के साथ मसाज कीजिए 3 से 5 मिनट तक अपने फेस के ऊपर। देख सकते हैं कि इसकी फेस की मसाज अब अच्छे से हो चुकी है। सो अभी इसको आप पानी के साथ रिमूव कर दीजिए। मुझे अपना फेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा अभी से सॉफ्ट सॉफ्ट सा महसूस हो रहा है, सो अभी मैं इसको वॉश करने जा रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट क्या है। तो गाइस जैसा अभी आप देख सकते हैं मैं अपने फेस को पानी के साथ वॉश करके आ गई हूँ, एंड अभी मेरी जो स्किन है ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट लग रही है, एंड सच में ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बटर वाली फीलिंग आ रही है, जैसे यू नो किसी ने बटर लगाया हो। सो सीरियसली आप देख सकते हैं कि किस तरह से फेस को ग्लो कर रहा है, स्किन को एक्चुअली बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज किया है इसने, एंड मुझे काफ़ी फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है इसको लगा के। सो मैं इसको लगा के बड़ी खुश हूँ, एंड इसका रिजल्ट मैं बोलूँगी कि हाँ अच्छा आ रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बोल देती हूँ, अगर आपको इसको अप्लाई करने के वक्त आपको कुछ हीटिंग हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको इमिडिएटली यूज़ करना बंद कर दीजिए, एंड अपने आई एरिया एंड अपने लिप्स में इसको बचाना, इससे बचा के रखिएगा। एंड सो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे इफेक्टिव लगा। सो इतनी जल्दी रिजल्ट, इतना टाइम तो नहीं होता हमारे पास कि हम सैलून जाके पार्लर जाके रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ करवाएं, एंड ये आपको बहुत ही इजी वे में आपका जो रूप है उसका निखारता है। सो ये मुझे, मैं इसको आउट ऑफ 10 में से दूंगी, ज़्यादा नहीं तो कम से कम मैं 8.5 मार्क्स तो दूंगी, 8.5 मार्क्स, बिकॉज मैं थोड़ी सी मार्क्स देने में थोड़ी सी मैं टाइट हूँ, हाथ में अपना टाइट कर लेती हूँ, लेकिन स्टिल आई एम हैप्पी। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी, आई मीन टू से अब मुझे सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए वीडियो को, एंड अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं कुछ और नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।